जी चिल्स ग्लोबल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में भारत की मदद पाने के लिए क्यों इंतजार में बैठा है रूस? रूस में हजार वर्ग किलोमीटर अंदर यूक्रेनी सैनिकों के घुसने के बाद खौल उठा पुतिन का खून। गुस्से में मानो पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले के लिए संदेश जारी कर दिया है। उधर यूक्रेन के बयान से भी साफ हो गया है कि अब या तो परमाणु हमला होगा या फिर फाइनल समझौता। सब कुछ जानेंगे बेहद विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। तो दोस्तों, जब जब भारत की जमीन पर संकट का बादल छाया है, तब तक रूस ने यूएनएससी में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 6 बार भारत की संप्रभुता की रक्षा की है। लेकिन अब खुद रूस की संप्रभुता खतरे में आ गई है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो चुका है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यूनाइटेड नेशन में भारत रूस के बचाव में वोटिंग करता है या फिर चुपचाप साइलेंट बैठकर तमाशा देखता है। निश्चित तौर पर रूस इस उम्मीद में बैठा होगा ताकि भारत एहसान चुकाते हुए यूनाइटेड नेशन में रूस की मदद करे। लेकिन अगर भारत रूस की मदद करता है तो फिर इसे नाटो और अमेरिका की दुश्मनी झेलनी पड़ेगी। 1971 में रूस, भारत और बांग्लादेश ने मिलकर पाकिस्तान, अमेरिका और ब्रिटेन को धूल चटा दी थी। लेकिन आज 2024 में बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया है, रूस पर हमला हो गया है और अब अगला टारगेट भारत को बनाया जा रहा है। दोस्तों, दुनिया एक बेहद भयावह स्थिति में फंस चुकी है। यूक्रेन ने रूस पर हमला करते हुए बेहद तेजी से मॉस्को की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसके बाद रूस ने साफ कर दिया है कि अब उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा है, यानी दुनिया का सबसे महाविध्वंसक हथियार का इस्तेमाल होने जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन और नाटो को धमकी दी है कि अब तक अपने धैर्य से काम लिया, लेकिन अब कोई विकल्प नहीं है, हम अपने दुश्मनों को बर्बाद कर देंगे। ये बात उन्होंने अपने देशवासियों के लिए कहे गए संबोधन में कही। उन्होंने अपने देशवासियों को जो पत्र लिखा है उसे पढ़ने के बाद ये साफ हो जाता है कि अब पुतिन किसी भी पल परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। उन्होंने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। लंबे समय से परमाणु युद्ध अभ्यास चल रहा है, लेकिन अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो फिर नाटो देश भी रूस पर परमाणु हमला कर देंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया घोर अंधकार में डूब सकती है। पुतिन ने बेहद गुस्से में कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, यूक्रेन और उनके नाटो मास्टर्स ने हमारे देश को आतंकित करने का फैसला किया है। वे हमारे क्षेत्रों में घुस रहे हैं, हमारे नागरिकों को मार रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों कि यूक्रेन ने रूस के काफी बड़े इलाके में घुसकर आतंक मचाना शुरू कर दिया है, जिसके कारण रूस के लाखों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। रूस ने जितना पूरे एक साल में यूक्रेन की जमीन कब्जा किया था, उससे ज्यादा यूक्रेन ने सिर्फ 7 दिनों में ही रूस की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इससे ये साफ हो जाता है कि यूक्रेन के सैनिक बेहद आक्रामक हो चुके हैं और उन्हें नाटो का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जबकि रूस अकेला है और अगर उनके खिलाफ परमाणु हमला नहीं किया गया तो फिर वो जल्द ही मॉस्को में घुसकर पुतिन का तख्ता पलट कर सकते हैं। जैसे हाल ही में आपको बांग्लादेश में देखने को मिला, ठीक वैसा ही नज़ारा रूस में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन रूस और बांग्लादेश में अंतर काफी ज्यादा है। पुतिन ने अंतिम चेतावनी देते हुए आगे कहा कि हम ये आशा करते हुए लंबे समय से धैर्यवान रहे कि स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन यूक्रेन और उनके नाटो मास्टर्स ने संघर्ष को चरम पर ले जाने का फैसला किया है। खैर, हम उन्हें जवाब देंगे, हमारे दुश्मन नष्ट हो जाएंगे, दुर्भाग्य से हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। ये जो उन्होंने अंतिम बयान दिया है, इससे साफ हो जाता है कि उन्होंने परमाणु हमले की तैयारी कर ली है, यानी कि पुतिन के सामने अब परमाणु हमले के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। उधर व्हाइट हाउस ने ये बात मानी है कि यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके में हमला करने से पहले अमेरिका को नहीं बताया था, जबकि रूस का मानना है कि ये अमेरिका और नाटो की साजिश थी। जानकारों का भी यही मानना है कि बिना अमेरिका और नाटो के आदेश के यूक्रेन रूस की धरती को कब्जा नहीं कर सकता है। कुछ समय पहले अमेरिका ने यह भी कहा था कि बांग्लादेश का तख्ता पलट और शेख हसीना की सरकार गिराने में उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन सच्चाई अब सबको पता है। रिपोर्ट के अनुसार खुद शेख हसीना ने भी स्वीकार किया था कि एक अमेरिकी ने हमारा टापू मांगा, लेकिन नहीं मिलने पर यह सब कांड हो गया। लेकिन पुतिन से भी ज्यादा खतरनाक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बयान दिया है। पुतिन की चेतावनी से पहले उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वो कुर्स्क इलाके में हमला बंद कर देंगे, साथ ही रूस के अन्य शहरों की तरफ बढ़ना भी बंद कर देंगे, जिसमें मॉस्को भी शामिल है। लेकिन पुतिन को हमारे साथ शांति समझौता करना होगा, साथ ही हमारे जितने भी विवादित क्षेत्र हैं वे वापस करने होंगे, जिसमें क्रीमिया भी शामिल है।
ज़ेलेंस्की का मानना है कि इस शांति समझौते से मामला हल हो जाएगा। यूक्रेन के इस बयान से साफ है कि अब उसने रूस को समझौते के लिए मजबूर करने का फैसला कर दिया है। यूक्रेन के सैनिक जितनी तेजी से मॉस्को की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए यही लगता है कि रूस को समझौता करना ही होगा या फिर परमाणु हमला करना होगा। इसके बीच का कोई रास्ता नहीं निकलने वाला है। आगे जानेंगे कि आखिर यूक्रेन ने रूस के अंदर कितना घुस गया है और क्या क्या कब्जा कर लिया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100 प्लस फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपर फास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जीचल्स पर। तो दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनकी सेना ने रूस के कुर्स्क इलाके में 74 गांवों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सेना आगे बढ़ रही है और रूसी सैनिकों को पकड़ रही है, जिसके कारण पूरे रूस में अफरा तफरी का माहौल है। बीबीसी के अनुसार यूक्रेन के अचानक हमले के बाद करीब 2 लाख रूसी नागरिकों को अपने घरों से भागना पड़ा है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। यूक्रेन ने 6 अगस्त को रूस के कुर्स्क इलाके में हमला शुरू किया था और 13 अगस्त तक 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के इतिहास में इसे सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों ने दुनिया के एक बेहद ताकतवर देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार है कि किसी देश ने रूस की सीमा में घुसपैठ की है। यूक्रेन का ये हमला पुतिन के लिए इज्जत का सवाल भी है और इसे रोकने के लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। रूस यूक्रेन जंग के 900 दिन पूरे हो चुके हैं। CNN के मुताबिक यूक्रेन ने 7 दिनों में रूस के उतने हिस्से पर कब्जा कर लिया जितना रूस ने इस साल यूक्रेनी इलाके पर किया है। रूस ने अब तक यूक्रेन के 1 लाख वर्ग इलाके पर कब्जा किया है, जो कि यूक्रेन की कुल जमीन का 18% है। इसके जवाब में यूक्रेन ने रूस के 1000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। कुर्स्क के गवर्नर ने बताया कि यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क में करीब 12 किलोमीटर लंबे और 40 किलोमीटर चौड़े इलाके में अपना कब्जा जमा लिया है। गवर्नर के इस ऐलान के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रूस बैकफुट पर जा चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूक्रेन के रूस पर अचानक किए गए हमले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस हमले ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुविधा में डाल दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस हमले के बाद सेना और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन शांति और युद्ध विराम वार्ताओं से पहले अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाएगा। पुतिन ने दावा किया कि इस हमले के बाद रूसी सेना में शामिल होने वालों की संख्या बढ़ी है और कुर्स्क क्षेत्र में रूसी सेना यूक्रेन के हमलों का जवाब दे रही है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।